Hello student, today I am going to discuss with you about the cardiac output. Cardiac output जो होता है वो heart के output के बारे में बताता है. Heart में बच्चों blood होता है और जब heart में contraction होता है तो ये ventricles के जो blood होते हैं ये eject किए जाते हैं बाहर की तरफ. तो कितना volume of blood वेंट्रिकल्स के द्वारा इजेक्ट किया जाता है एक मिनट में, उसको आप क्या बोलते हो? कार्डियक आउटपुट. वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड इन ईच मिनट इज नथिंग बट योर कार्डियक आउटपुट. एक मिनट में कितना वॉल्यूम वेंट्रिकल्स के द्वारा इजेक्ट किया गया, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो. इस कार्डियक आउटपुट को अगर आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है, तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना होगा हार्ट रेट से. किसको करना होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना होगा हार्ट रेट से. नाउ द थिंग इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट. तो हार्ट रेट तो भाई पहले से हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, एक मिनट में कितने बार हार्ट बीट करता है, दैट इज व्हाट योर हार्ट रेट. और स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है बच्चों, वॉल्यूम इजेक्टेड इन ईच कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना वॉल्यूम ब्लड बाहर निकला, दैट इज व्हाट योर स्ट्रोक वॉल्यूम. फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोले तो एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ हार्ट में, जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कितना वॉल्यूम ब्लड निकला, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम. नॉर्मली एक हेल्दी इंसान के लिए जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है बच्चों वो होता है 70 ml पर बीट, यानी एक बीट में 70 ml ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल के द्वारा बाहर निकाला जाता है, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो. तो 70 ml ब्लड जो होता है वेंट्रिकल्स के द्वारा बाहर निकाला जाता है. और जो हार्ट रेट होता है बच्चों वो होता है 75 beats per minute. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 75 बीट्स ऊपर में है और मिनट नीचे है. यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका जो एसआई यूनिट के हिसाब से जो यूनिट होता है दैट इज योर 70 ml पर बीट. बीट से बीट कट जाएगा बच्चों, 70 × 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5250 ml ऑफ ब्लड इन ईच मिनट. ठीक है, दैट इज योर 5.25 liter ऑफ ब्लड इन ईच मिनट. यानी कार्डियक आउटपुट कितना हो गया, एक मिनट में हार्ट जो है वो 5.25 liter ब्लड को बाहर निकालता है अपने में से. अगर 5.25 liter को ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये लगभग लगभग पूरी बॉडी में जितना ब्लड है वो पूरे वॉल्यूम को एक बार हार्ट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है यहाँ पे. अब आते हैं कि हमें अगर कार्डियक आउटपुट के रेगुलेशन के बारे में अगर पढ़ना होगा तो कैसे स्ट्रोक वॉल्यूम रेगुलेट हो रहा है और कैसे हार्ट रेट रेगुलेट हो रहा है, अगर इन दोनों पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे तो कार्डियक आउटपुट का रेगुलेशन कैसे होगा वो समझ में आ जाएगा. इस पॉइंट को समझने के लिए मैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज योर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, तो आप वहां पे रेफर कीजिए, आपको वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तीनों वर्ड को पकड़िएगा, एंड मतलब लास्ट में, डायस्टोलिक डायस्टोल के लास्ट में जो वॉल्यूम है उसको देखना है. डायस्टोल बोले तो क्या, हार्ट में जब कॉन्ट्रेक्शन हो गया तो उसके बाद हार्ट रिलैक्स करता है. इस रिलैक्सेशन के दौरान क्या होता है, वेंट्रिकल्स में ब्लड जो है वो फिल किया जाता है, ऊपर से आट्रियम से ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल्स में आता है और ब्लड जो है धीरे धीरे फैल भरता है और यहाँ के जो मसल्स होते हैं वेंट्रिकल्स के वो फैलते हैं. लास्ट में जब पूरा फैलाव हो जाता है तो उस समय वेंट्रिकल्स में कितना वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम इज योर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. अगर आप उस वॉल्यूम को जो पूरे वेंट्रिकल्स के फैलने के बाद का जो वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम को अगर आप 100% कंसीडर करते बच्चों तो उसका 50-60% जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद निकल जाता है, 50-60% इजेक्ट किया जाता है. कॉन्ट्रैक्शन हो गया, 50-60% बाहर निकल गया, यानी अंदर कितना बच गया, लगभग 40-50% कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी, दैट इज योर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम.
क्लियर है। सो दिस इज व्हाट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। नाउ फर्स्ट वी विल लुक ऑन दिस स्ट्रोक वॉल्यूम, रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। कैसे स्ट्रोक वॉल्यूम रेगुलेट होता है? तो वो तीन फैक्टर्स के द्वारा होता है। कौन कौन सा? प्रीलोड, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी एंड आफ्टरलोड। प्रीलोड, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी एंड आफ्टरलोड। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस लोड, क्योंकि अगर आप लोड समझ जाएंगे तो यहां से आप प्रीलोड बहुत आसानी से समझ जाएंगे और आफ्टरलोड आप आसानी से। ये सपोज कीजिए हार्ट का डायग्राम है, वेंट्रिकल्स में जितने ब्लड आ रहे हैं जब वो डायस्टोल का कंडीशन हो रहा है, वो रिलैक्स हो रहा है, उसमें जितना ब्लड आ रहा है वो पूरा ब्लड वॉल्यूम हार्ट के वेंट्रिकल्स के ऊपर एक लोड बनाता है। नाउ यहाँ पे जो कंडीशन है क्या है? प्री लोड, यानी जब वेंट्रिकल्स का पूरा लोड बना उसके पहले का कंडीशन। आफ्टर लोड, यानी वेंट्रिकल्स में जो लोड बना उसके तुरंत आफ्टर क्या क्या कंडीशन है वो देखना है आप। तो प्री लोड में क्या हो रहा है बच्चों? बिफोर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेचिंग ऑन हार्ट, वेंट्रिकल्स में ब्लड भर रहा है डायस्टोल के समय, भर रहा है तो यानी क्या होगा? हार्ट मसल्स जो है वो धीरे धीरे रिलैक्स होगा और एक लिमिट तक ब्लड उसमें भरेगा। तो उस लिमिट में यहां पे कितना स्ट्रेचिंग हुआ वेंट्रिकल्स में, कितना फैला है ये मसल्स, स्ट्रेच हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर प्री लोड। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी जितना ज्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा हार्ट मसल्स में स्ट्रेचिंग उतना ज्यादा होगा, यानी प्री लोड उतना ही ज्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। भाई कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी यानी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे मायोकार्डियम में कॉन्ट्रैक्शन है, तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को ये बताता है। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को क्या ये बता रहा है कि कितना फोर्सफुली मायोकार्डियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने स्ट्रेंथ से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये डिटरमाइन किया जा रहा है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। फोर्सफुलनेस ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर टू कॉन्ट्रैक्ट, और इसके स्ट्रेंथ को जब आप देखते हैं तो वो आपको क्या बताता है? कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। और ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज योर आफ्टर लोड। जब लोड पूरा हो गया, भर गया ब्लड इसमें, तो यहां पे आप देखेंगे कि प्रेशर होगा एक। ये प्रेशर जब कॉन्ट्रैक्शन का समय आ रहा है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है उस समय में ये प्रेशर अंदर का ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के ब्लड जो है यहां से अपने डेस्टिनेशन को मूव करेगा। यानी जब वेंट्रिकल्स के अंदर में प्रेशर बढ़ जाएगा इस ब्लड वेसल्स के प्रेशर से, तभी जाकर के वो क्या करेगा, यहाँ के वाल्व को ओपन करेगा। आपको याद होगा मैंने ये डायग्राम में ऑलरेडी डिस्कस किया है, मेरी पिछले वीडियो को रेफर कीजिए। यहाँ पे एरोटा होता है, यहाँ पल्मोनरी ट्रंक होता है, दोनों में सेमी लूनर वाल्व होते हैं। ये वाल्व नॉर्मली बंद होंगे, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड पूरा आ गया, भर गया ये, तो क्या होगा? अब ये ब्लड इस पे प्रेशर मारेंगे और ये प्रेशर इस वेंट्रिकल्स से निकलने वाले ब्लड का जो प्रेशर है वो जब ज्यादा होगा तभी जाकर के क्या होगा, ये वाल्व खुलेगा। ठीक है, तो दैट प्रेशर इज नथिंग बट योर आफ्टर लोड, यानी कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट पहले प्रेशर इतना होना चाहिए कि वो वाल्व को खोल दे। That pressure is your afterload. Afterload is the pressure of the ventricles to open the semilunar valve. यानी ये प्रेशर जो है राइट वेंट्रिकल में ज्यादा होना चाहिए, किससे? पल्मोनरी ट्रंक से, तभी जाकर के क्या होगा, पल्मोनरी ट्रंक में मूव कर पाएगा। भाई ब्लड का मूवमेंट क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहां से ब्लड मूव करेगा। दूसरा, यही प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा होना चाहिए एरोटा के रिस्पेक्ट में, एरोटा से ज्यादा होगा प्रेशर तभी यहां से ब्लड क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसी प्रेशर को आप क्या बोल रहे हो, आफ्टर लोड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये तो हमें समझ में आ गया कि स्ट्रोक वॉल्यूम को
प्रीलोड कैसे कंट्रोल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कैसे कंट्रोल कर रहा है, और आफ्टर लोड कैसे कंट्रोल कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आवर रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। आइए रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट को देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हार्ट में ऑटोरिदमिक फाइबर्स होते हैं। ये ऑटोरिदमिक फाइबर्स क्या थे? एसओ नोड थे, एवी नोड थे, बंडल ऑफ हिस थे। एसओ नोड इंपल्स को जनरेट करता है, हर 0.8 सेकेंड के बाद वो नए इंपल्स को जनरेट करता है और इस तरह से वो हार्ट के रेट को मेंटेन करता है। इस ऑटोरिदमिक फाइबर के अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। आपको याद होगा कार्डियक साइकिल जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे भी मैंने पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल कर रहा है वो बताया था, मैंने हल्का सा ब्रीफ दिया था। यहां पे मैं उसी चीज को फिर से डिस्कस कर रहा हूं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात आ रही है। आपको मालूम होगा नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यही ये पार्ट है उसी का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेन के मेडुला ओब्लंगाटा में, ब्रेन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन के मेडुला ओब्लंगाटा वाले पार्ट में कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है। ये कार्डियोवास्कुलर सेंटर हार्ट को, ब्लड वेसल्स को, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो कैसे कंट्रोल करता है भाई? ये सेंटर्स को इनपुट भेजे जाते हैं और उसी के रिस्पॉन्स में ये आउटपुट भेजता है और तब उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इनपुट बोले तो भाई न्यूरॉन्स इसके अंदर जाएंगे, इंपल्स लेके जाएंगे, मैसेज लेके जाएंगे, कार्डियोवास्कुलर सेंटर को बताएगा कि हाँ भाई हार्ट में क्या करना है, हार्ट रेट को बढ़ाना है, हार्ट रेट को घटाना है। तब जाकर के ब्रेन या कार्डियोवास्कुलर सेंटर उस मैसेज को भेजेगा और तब हार्ट रेट वगैरह को कंट्रोल करेगा। तो नाउ द थिंग इज व्हाट, यानी इस कार्डियोवास्कुलर सेंटर के लिए एक इनपुट पॉइंट होना चाहिए और एक आउटपुट पॉइंट होना चाहिए। इनपुट इसको किससे किससे मिलता है? सेंसरी रिसेप्टर से मिलता है, लिम्बिक सिस्टम से मिलता है, कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मिलता है। लिम्बिक सिस्टम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सारा पार्ट जब हम लोग नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे तो वहां पर बताएंगे आपको। नाउ थिंग इज व्हाट, कौन कौन से सेंसरी रिसेप्टर हैं जो कि इनपुट देते हैं? इसमें है पहला जो रिसेप्टर है, दैट इज योर प्रोप्रायोसेप्टर, प्रोप्रायोसेप्टर है। दूसरा है आपका केमोरिसेप्टर और तीसरा है आपका बैरोरिसेप्टर। ये जो प्रोप्रायोरिसेप्टर है ये कैसे करता है, इंपल्स को भेजता है कार्डियोवास्कुलर सेंटर में। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तो उस समय आपके लिम्स का मूवमेंट होता है, आपके मसल्स का मूवमेंट होता है, ये प्रोप्रायोरिसेप्टर उसी चीज को वॉच करता है और उसके हिसाब से भाई जब आपके लिम्स में, आपके मसल्स में मूवमेंट होगा, इसका मतलब उसकी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाएगी, वहां उसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होगी। तो यहां से क्या हो रहा है, वो मैसेज भेजता है, इनपुट भेजता है कार्डियोवास्कुलर सेंटर को और कार्डियोवास्कुलर सेंटर फिर क्या करता है, उसकी डिमांड को पूरा कराने की कोशिश करता है। तो कार्डियोवास्कुलर सेंटर अगेन इंपल्स भेजता है और वो अपने वहाँ हार्ट को मैसेज भेजता है कि आपको ज़्यादा एक्टिविटी करनी है, तो वो ज़्यादा एक्टिविटी करके मेटाबॉलिक डिमांड को पूरा करेगा। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड रिसेप्टर इज योर केमोरिसेप्टर। ब्लड में केमिकल चेंजेस आने के कारण अगर हार्ट रेट को बढ़ाना है या घटाना है तो वो केमोरिसेप्टर मैसेज भेजेगा कार्डियोवास्कुलर सेंटर को। नाउ नेक्स्ट थर्ड, बैरोरिसेप्टर। ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है बच्चों, ब्लड वेसल्स के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, चाहे वो आर्टरीज हो चाहे वो वेन्स हो। तो इनमें जो स्ट्रेचिंग वगैरह हो रहा है वो स्ट्रेचिंग रिलेटेड जो भी सेंसिटिविटी है वो भेजता है कार्डियोवास्कुलर सेंटर को और उस रिस्पेक्ट में फिर क्या होता है, हार्ट रेट वगैरह कंट्रोल किया जाता है। क्या होता है नेक्स्ट इसके बाद कि जैसे ही यहां से सेंसरी रिसेप्टर ले लो या लिम्बिक सिस्टम ले लो या सेरेब्रल कॉर्टेक्स ले लो, ये मैसेज भेजता है। ये तो हो गया कि प्रोप्रायोरिसेप्टर जब फिजिकल एक्टिविटी किए थे तब ये लिम्ब वगैरह के मूवमेंट के कारण मैसेज भेजा।
सपोज कीजिए कई बार होता है कि आप कोई मूवमेंट वैसा नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी हार्ट रेट बढ़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कभी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन आ जाता है, आप एग्जाम्स देने जा रहे होते हैं, उस समय भी बढ़ जाता है। उस समय क्या होता है, आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जा रहा है और वो मैसेज को भेजता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कि भाई हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ गया है, आप हार्ट रेट को बढ़ा। फिर यही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आउटपुट भेजता है और वो हार्ट रेट को बढ़ाना और घटाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आखिर ये आउटपुट में ऐसा क्या हो रहा है कि ये हार्ट रेट को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो यहाँ आउटपुट जो होती है बच्चों वो क्या है, इम्पल्स है। ब्रेन जो है वो इम्पल्स को भेज रहा है। इट इज नथिंग बट इंक्रीज और डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नर्व इम्पल्स। किसको या किसके नर्व इम्पल्स को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको मालूम होगा सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक किसका पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को या पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजता है और हार्ट रेट को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर स्टिमुलेट होता है, यानी यहाँ अगर आउटपुट आया और ये आउटपुट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किया है, तो ये क्या करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन जो कि उसका न्यूरोट्रांसमीटर है उसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा। और जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगे ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए ये उसके डिपोलराइजेशन को फास्ट करेगा। आपको याद होगा मैंने पूरा कंडक्शन सिस्टम वगैरह पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया था कैसे चैनल्स खुलते हैं, कब डिपोलराइजेशन होता है, कब रिपोलराइजेशन होता है। पिछले के वीडियोस को आप रेफर कीजिए, आपको ये पार्ट समझ में आ जाए। दूसरा, यही नॉरएपिनेफ्रिन का जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, कैल्शियम की एंट्री करती है, बढ़ा देता है, कैल्शियम का इनफ्लो बढ़ा देता है। आपको मालूम होगा कैल्शियम जो होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। सो इस तरह से हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, कब, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। नाउ नेक्स्ट, अगर यहां से आउटपुट आया और उसने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा दिया तो यहाँ क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन होगा। ये एसिटाइल कोलिन इज द न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और ये क्या करेगा, हार्ट रेट को घटा देगा। एज यू नो सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक जो होता है वो दोनों के एक दूसरे के एक्टिविटीज को बैलेंस करता है ऑपोजिट वे में काम करके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वॉट, ठीक है नर्वस सिस्टम से तो समझ में आ गया कि हाँ भाई हार्ट रेट को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल कर रहा है ये समझ में। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो कि इनको कंट्रोल करता है, जैसे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में ले लीजिए नॉरएपिनेफ्रिन तो बता ही दिया, थायराइड हार्मोन। नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है बच्चों वो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा भी रिलीज किया जाता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन और थायराइड ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ आयंस के कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन होने के कारण भी हार्ट रेट बढ़ता या घटता है। ये आयन कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। आपको शायद से याद होगा हमने जब वो चैनल्स डिस्कस किए थे तो वहाँ पे हमने सोडियम चैनल भी डिस्कस किया था, पोटेशियम चैनल भी डिस्कस किया था, कैल्शियम चैनल भी डिस्कस किया था। इसलिए बोल रहा हूँ पीछे के वीडियो को रेफर कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो सोडियम का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो ये क्या करता है, हार्ट रेट को घटा देता है। ठीक उसी तरह से पोटेशियम का भी जब कंसंट्रेशन बढ़ रहा होता है सेल में तो वो हार्ट रेट को घटा देता है। तो भाई सोडियम कैसे घटा रहा है, तो सोडियम जो होता है वो कैल्शियम के इनफ्लो को घटा देता है। ये कैल्शियम इनफ्लो को ब्लॉक करता है, मतलब सेल के अंदर कैल्शियम आना कम हो जाए। सेल के अंदर कैल्शियम आना कम होगा तो सेल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पोटासियम कैसे कर रहा है, तो भाई पोटासियम हार्ट रेट को कम कर रहा है बिकॉज जो एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन होता है उसको वो ब्लॉक कर देता है। नाउ नेक्स्ट कैल्शियम का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो भाई कैल्शियम बढ़ रहा है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आइए कि ये तो हो गया हार्मोन हो गया, ये कुछ आयंस हो गए, कटायंस हो गए जिनके कारण की हार्ट रेट चेंज हो रहा है। इसके अलावा और क्या है, तो एज है,
जेंडर है, फिजिकल फिटनेस है एंड टेम्परेचर, ये चार फैक्टर भी हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। आइए एज में देखते हैं। जब नया बच्चा बिल्कुल जन्म लेता है तो उसकी हार्ट रेट ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है हार्ट रेट जो होता है वो नॉर्मल हार्ट रेट के नज़दीक पहुंच जाता है। जेंडर में अगर देखा जाए तो फीमेल का हार्ट रेट ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू मेल। अगर फिजिकल फिटनेस के हिसाब से देखा जाए, जो व्यक्ति फिजिकली फिट हैं, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उनका हार्ट रेट जो होता है वो दूसरे इंसान के हार्ट रेट से लो होता है। नाउ नेक्स्ट, टेम्परेचर अगर देखा जाए तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हार्ट रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर घटता है हार्ट रेट जो होता है वो घट जाता है। सो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द रेगुलेशंस, और दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स विच रेगुलेट द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड दस इट रेगुलेट द कार्डियक आउटपुट ऑफ द हार्ट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू।